दोस्तों टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स चैनल आज आपको वादी सून के मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाने लेकर जा रहा है। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं खुशाब कट्ठा चौक से थोड़ा आगे। आए चलते हैं आपको वादी सून की तरफ लेकर और आपको वहाँ के मुख्तलिफ मकामात दिखाते हैं। दोस्तों टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स चैनल आज एक और मुनफरिद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में आपको ले चलेंगे वादी सून और बताएंगे आपको इस वादी की तारीख, इसका जुग्राफिया, इसका महल वकू, यहाँ का मौसम और इस वादी के खूबसूरत मकामात। अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। और वो हजरात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों वादी सून सकेसर पाकिस्तान की कदीम और खूबसूरत वादी है जो कुदरती नज़ारों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है। ये वादी इस्लामाबाद से 290 किलोमीटर और सरगोदा से 110 किलोमीटर के फासले पर सिलसिला कोहे नमक के पहाड़ों में घिरा कदीम तहजीब व तमद्दुन का हामिल मजहबी रिवायात का अमीन कुदरती तौर पर सरसब्ज और खूबसूरत इलाका ज़िला खुशाब में वाक़या है। खुशाब से शुमाल मगरिब की जानिब पैल पधराड़ से लेकर सकेसर तक कमोबेश 56 किलोमीटर लंबाई और 14 किलोमीटर चौड़ाई पर फैले रकबे में छोटी बड़ी आबादियों में पैल पधराड़, जाबा धरनाल, मर्दोवाल, उछाली, उछाला, शकरकोट, संबरवाल, अंगा, उगाली शरीफ, सोडी, खुड़ा, कुफरी के अलावा छोटी छोटी ढोक और खूबसूरत चढ़ाइयों पर मुश्तमिल वादी का सदर मुकाम नौशहरा है। वादी सून का बुलंद तरीन सरसब्ज खूबसूरत और पूरे वस्ती पंजाब में सर्दियों के मौसम में स्नोफॉलिंग यानी कि बर्फ़बारी का वाहिद मुकाम सकेसर सतह समंदर से 5010 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यह सिलसिला कोहे नमक में कुदरती तौर पर ऐसी बुलंद वाज़े जगह पर वाक़या है जहाँ से चकवाल, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और ज़िला झेलम समेत पंजाब का बेशतर हिस्सा देखा जा सकता है। इस कुदरती खूबी को मद्देनज़र रखते हुए दिफाई नुक्ता नज़र की अहमियत के हामिल दिलकश मुकाम सकेसर को 1950 की दहाई में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का सेंटर भी इस इलाके में आवाम तक नशरियात पहुँचाने के लिए कायम किया गया था। दोस्तों सोन का लफ्ज़ संस्कृत में सोन बामानी खूबसूरत के है। मनवर ज़माना के साथ सोहन का लफ्ज़ सोन की शक्ल इख्तियार कर गया। यूँ ये सोन धरती वादी सोन के नाम से पुकारी जाने लगी। सकेसर मुरक्कब है सक्की और सर से। संस्कृत में सर तालाब से इबारत है और सक्की से मुराद मणि गौतम है। एक रिवायत के मुताबिक साकिया एक कौम का नाम है और साकियानी का इतलाक महात्मा बुद्ध पर भी होता था। यूं सकेसर का लफ्ज़ साकी सर से माखूज है जिसके मानी है साकिया का तालाब। डॉक्टर दानी का ख्याल है कि सोन संस्कृत में सोने को कहा जाता है। सक किसी कबीले का नाम है। एसर दरअसल ईश्वर यानी देवता से लिया गया है। मस्कुरा रिवायत की तायीद इससे भी होती है कि इस पहाड़ के दामन में वाक़या झील उछाली को सक्की मणि गौतम का सर कहा जाता है। इस लिसानी तजिया और लुग़वी तहकीक के ज़िमन में एक वहम का अजाला ज़रूरी है और वो ये कि दरियाए सबां और दरियाए वादी सून दो अलग अलग नाम हैं। दरियाए सबां साल्ट रेंज में बहता है। इस इलाके में कदीम तहजीबों के आसार मिले हैं। ये इलाका माहरीन आसार कदीमा की तवज्जो का एक अरसा से मरकज़ रहा है, लेकिन वादी सून इससे अलहदा इलाका है। अगरचे ये इलाका भी कदीम तहजीबों का मरकज़ रहा है मगर आसार कदीमा के माहरीन की तहकीक का मौजू नहीं बन सका। वादी सून को सारे नमक और पोटवार एक सीध में वाक़या है। इस इलाके में ऐसे महजरात यानी कि फॉसिल्स और ढांचे मिले हैं जो साख्त और ज़माने के अतबार से पोटवार और बिलखसूस दरियाए सवा के करीब ढोक पठान के आसार और फॉसिल से मिलते जुलते हैं। दोस्तों वादी सून के सिरे पर वाक़या गाँव चिंजी और इसके इर्द गिर्द फासिल्स के वसी ज़खायर का पता चलाया गया है। वादी के जो दूसरे गांव हैं उनसे भी आसार कदीमा के मुतालिया से तारीख़ कदीम का सुराग लगाया जा सकता है। आपको एक बात और बताते चलें कि अजीम मुसलमान फातह ज़ाहिर उद्दीन बाबर का जब पोटवार के इलाके से गुजर हुआ तो रास्ते में एक वादी थी जिसके हुस्न ने बादशाह को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव डाला। कुदरती हुस्न तो वादी का था ही, इस बादशाह ने भी इस वादी के हुस्न में इजाफा करने में अपना हिस्सा डाला। बागात उगाने का हुक्म जारी किया और इस वादी के बारे में तारीखी कलमात अदा किए जो इस वादी के लोगों के लिए आज भी बाइस फ़ख्र हैं। ज़हीर उद्दीन बाबर ने कहा कि ई वादी बच्चाए कश्मीर अस्त, यानी ये वादी छोटा कश्मीर है। दोस्तों, वादी सोन सकेसर का मजमूई रकबा 10,000 एकड़ जबकि काबिल काश्त 3,000 एकड़, बंजर या नाकाबिल काश्त रकबा 7,000 एकड़ है। इस वादी के मशरक़ में झेलम चकवाल के कुछ इलाके, शुमाल में तलागंग, मगरब में मियांवाली जबकि जनूब में नूरपुर थल का इलाका आता है। वादी सून की मिट्टी ज़्यादातर भुरभुरी है और यहाँ के पहाड़ रेतीले चट्टानों और चूने के पत्थर पर मुश्तमिल है। यहाँ की ज़राअत का दारोमदार बरसात पर है। ढरवानी खेत आम है। पहाड़ और पत्थरों की मुख्तलिफ किस्में हैं जिनमें चूने के पत्थर, पीले रंग के पत्थर, सफ़ेद पत्थर, संगे मरमर वगैरह शामिल हैं। वादी सून के पहाड़ों से नमक, गंधक, कोयला, बजरी का पत्थर मिलता है। जी दोस्तों, बात हो रही है सून वैली की, तो मैं यहाँ की एक बड़ी जो है वो एक डिस्टिंक्ट फीचर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चट्टानें हैं उनमें आपको बहुत से कलर और शेड्स मिले। जैसे ये इस वक्त मेरे पास पड़ी हैं, ये जो चट्टान है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कैमल कलर नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो पर्पल कलर है। ये वाली चट्टान जो है इसमें हमें पर्पल कलर नज़र आ रहा है, और ये जो है वो कुछ ग्रे कलर कुछ वाइट कलर मिक्स है, ये भी एक शेड है इसका। और यहाँ पे जो है हमें इस एक जो टुकड़ा मेरे हाथ में है इसमें जो है पर्पल कलर भी है और इसमें कैमल कलर भी है और मैरून कलर का भी इसमें शेड नज़र आ रहा है, और ये जो चट्टान है इसमें रस्ट कलर का। तो ये जो पैटर्न है डिफरेंट कलर्स की जो रॉक्स हैं ये पूरी सून वैली में आपको मिलेगा, और ये इनकी वजह से जो है वो लैंडस्केप आपको ऐसे लगता है जैसे बार बार चेंज हो रहा है, और यही इसकी एक बहुत नुमाया खूबसूरती है। दोस्तों, यूँ तो यहाँ चारों मौसम पाए जाते हैं, अलबत्ता दो मौसम बराए नाम ही हैं। यहाँ मार्च से अक्टूबर तक मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है, और यही वो मौसम है जब वादी सून में सैर व सयाहत का मज़ा दोबाला हो जाता है। सर्दी में शदीद सर्दी पड़ती है। यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे चला जाता है। यालाबारी और बारिशें होने से सर्दी शदीद तर हो जाती है। वादी सून में सैर के लिए इंतहाई मौजू महीने मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितम्बर है। वादी में बरसात का मौसम इंतहाई पुरलुत्फ होता है, जब पहाड़ों से बहते नालों का शोर एक खूबसूरत समा पेश करता है। फूलों और सब्ज़े में एक तरोताजगी आ जाती है, और गर्मी के मौसम में सर्द हवाएं जाड़े का एहसास दिलाती हैं। बरसात का मज़ा ऐसी सूरत में और भी बढ़ जाता है जब आप किसी झील के किनारे या किसी पहाड़ पर हों। वहाँ से वादी सून के तुलो अर्ज में फैले हरे भरे खेत जन्नत का समा पेश करते हैं। यहाँ का मौसम इंतहाई दिलफरेब है। ज़रा से बादल बने और पल में बरस कर आसमान साफ हो जाता है। अलबत्ता सर्दियों में बारिश कई कई रोज़ तक जारी रहती है। वादी सून का इलाका अपनी दिलकश वादियों, खूबसूरत झीलों और बागात और खुशगवार मौसम की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींच कर ले आती है, और हर साल बेशुमार सयाह वादी सून का रुख करते हैं। वादी सून के मुतालिक वसूख से कुछ कहना तो शायद मुमकिन नहीं, अलबत्ता वादी से मिलने वाले फासिल से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वादी के कई मुकामात से मुख्तलिफ इंसानी ढांचे, जानवरों के ढांचे और कई एक घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मिली हैं। कनेटी के करीब ढांचे मिले हैं। मर्दवाल से मुख्तलिफ जानवरों के ढांचे, कदीम तर्ज रिहाइश, सामान हर, घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें और सिक्के मिले हैं। मुहक्किकीन की राय में पोटवार और वादी सून का ज़माना मिलता जुलता है। आर्या बुद्ध मत के ज़माने की जंगों में बाज वाक़ियात साबित करते हैं। मसलन ऋग्वेद में शरंजे बादशाह ने सर्विशों और वर्ची वतनों के खिलाफ जंग लड़ी। वर्ची वतनों झेलम और सिंध के दरमियान आबाद थे। वादी सून के मोहाड़ी गांव वर्षा के मुतालिक क्यास किया जाता है कि ये वही गांव हैं जहां जंग लड़ी गई। इस जंग का ज़माना 550 साल कबल मसीह का है। दोस्तों, वादी सून के जो मुख्तलिफ सियाहती मकामात हैं उनमें किला तुलाजा जो खुड़ा के करीब 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। यहाँ पर पीर फखरिया शरीफ का मज़ार भी है। एक और जगह जो खटवाई के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर चिड़ियाघर, आपके आराम के लिए मुख्तलिफ जगह यानी कि रेस्ट एरियाज बने हुए हैं और यहाँ पर शेरवे बाग भी है। दादा गोलड़ा ये वो जगह है जहाँ पर आपको दरबार मिलेगा। कुफरी देव शरीफ का चश्मा, सराजुद्दीन नक्शबंदी का मज़ार, और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। जाहलर झील ये खटवाई से जाते हुए जाहलर की तरफ वाक़या है। खुड़ा, खुड़ा में दोस्तों आपको मिलेगा एक कुआं जिसे के बन बोलते हैं। ये एक तारीखी मुकाम है, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ारात हैं और यहाँ पर कैडेट कॉलेज भी है। सोडी जयवाली, सोडी जयवाली में आपको मुख्तलिफ चश्मे मिलेंगे और बाबा सुल्तान मेहदी का मज़ार भी है। एक मशहूर गांव अंगा जो कि अहमद नदीम कासमी का गांव है। अंगा के ही साथ एक खूबसूरत झील उछाली वाक़या है। उछाली खारे पानी की झील है। खबेकी, खबेकी भी खारे पानी की एक झील है। अम शरीफ टेम्पल्स, यहाँ पर किला और मंदरात है। नरसिंह ख्वार दोस्तों यहाँ पर बैसाखी का मेला लगता है, दर है, चश्मा है और बाबा सुल्तान का मज़ार भी है। किनेटी गार्डन यहाँ पर कुदरती वाटरफॉल है और टूरिस्ट के लिए ट्रेल्स भी हैं। मायवाली ढेरी दोस्तों ये मर्दवाल में वाक़या है और ये खातून का मज़ार है। हयातुल मीर यहाँ पर कोयला की कान है, यहाँ पर बाबा जी का मज़ार है और मेला भी लगता है। अकरण किला दोस्तों ये कनेटी बाग के करीब वाक़या है। निडवाड़ी बाग ये वो जगह है जब वादी सून में दाखिल होते हैं तो जो सबसे पहला स्टॉप आता है उससे निडवाड़ी बाग कहते हैं। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं और चश्मों के पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।